नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल। मैं हैदराबाद में दिल से नगर में मेट्रो पिलर नंबर 1552 मी सेवा रोड मंजूसुदा हॉस्पिटल में हर रोज काम करता हूँ। मैं मर्दों के लिए मेरा खिदमत रहता है। इससे पहले तेलुगु में एक वीडियो कराए थे, मित्रों ने हिंदी में करो बोल के रिक्वेस्ट करे, तो इसीलिए फिर हम हिंदी में ये वीडियो करने का कोशिश करते हैं। मित्रों ने पूछ रहा है, प्रेगनेंसी का टाइम पे पपाया खा सकते हैं क्या? इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। अगर कच्चा पपाया अर्ली प्रेगनेंसी में खाए तो कभी कभी अबॉर्शन भी हो सकता है एनिमल्स में। ह्यूमन बीइंग्स में इसका क्या इफेक्ट है, साइंटिफिक स्टडी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक बार एनिमल्स में हुआ तो मुमकिन है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स में भी होने का पॉसिबिलिटी है, इसीलिए बेटर टू अवॉइड। अगर पपाया खाने का है तो फ्रूट खा सकते, कच्चा पपाया नहीं खाना चाहिए यूजुअली, वो भी अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में फ्रूट खाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। पपाया में एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम यूट्रस को स्टिमुलेट करके अबॉर्शन होने का चांसेस रहता है, इसीलिए बेटर टू अवॉइड पपाया। और प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना। अगर हस्बैंड स्मोक कर रहा या घर में किसी कोई आदमी स्मोक कर रहा तो वो रूम में भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं बैठना है। दूसरी चीज़ अल्कोहल, लड़कियां प्रेगनेंसी टाइम पे अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ अभी हम डिस्कस करें, पपाया ना मत खाना है, बाकी फ्रूट्स खा सकते। फ्रूट्स खाने से बहुत कुछ सुविधाएँ है, स्पेशली प्रेगनेंसी में कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वैसे लोग फ्रूट खाए तो इनका मोशन फ्री रहता है। फ्रूट्स में बहुत कुछ विटामिन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, शुगर रहता है, तो इसीलिए अगर डायबिटीज है तो नहीं खाना, नहीं तो अदरवाइज दे शुड बी एनकरेज टू टेक फ्रूट्स। हम प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या नहीं लेना भी डिस्कस करें। से मित्र ने पूछ रहा है, ये वैक्यूम डिवाइस क्या होता है, इसे क्या फायदा है? वैक्यूम डिवाइस एक छोटा सा लोटके जैसा रहता है, इसको टू लेयर्स रहता है, अंदर का लेयर में होल्स रहता है, बाहर का लेयर सील्ड रहता है। ये टू लेयर्स का बीच में जो एयर रहता है, हवा रहता है, इसको मशीन से बाहर निकालता है, तो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होके पेनिस साइज बड़ा होता है। ये पेनिस हमेशा 24 आवर्स सॉफ्ट रहता है, इसको स्टिमुलस आ गया, नहीं तो ऐसा डिवाइस कुछ करा या इंजेक्शन करा या टैबलेट करा, कुछ तो कुछ करे तो वो बढ़ता है, लेंथ भी बढ़ता है, गर्थ भी बढ़ता है। तो ये वैक्यूम डिवाइस यूज करे तो थोड़ा खून ज्यादा आके थोड़ा लेंथ कुछ बढ़ सकता है, लेकिन बहुत कुछ हार्डनेस नहीं रहता। अगर हार्ड नहीं रहा तो अंदर घुसने का प्रॉब्लम रहता है, जो खून आया फिर वापस नहीं जाने के लिए एक रबर बैंड लगाना पड़ेगा। एक बार रबर बैंड लगाए तो दर्द होना शुरू होता है, और इसका भी हार्डनेस सफिशिएंट नहीं रहता, तो इससे फेल्ड इंस्ट्रूमेंट है। इट्स ओनली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन मेरे बहुत कुछ पेशेंट्स बोलता है वैक्यूम डिवाइस से कोई फायदा नहीं है। वैक्यूम डिवाइस यूजुअली यूज्ड बाय द एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन्स यूज करते हैं, इसको टैबलेट खाने का कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है, कभी कभी मत खाओ बोलते हैं, नहीं तो खाने का इच्छा भी ना रहते टैबलेट खा के करना, तो एक ट्रायल है, बट इट इज फेल्ड इन मेनी मेनी पेशेंट्स।
मित्र ने और पूछ रहा है ये पेनिस के लिए लगाने का इंजेक्शंस क्या हो सकता है, इंजेक्शंस का क्या इफेक्ट रहता है, क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं। ये इंजेक्शन कैबरजेक बोल के एक इंजेक्शन आता है, छोटा सा इंसुलिन सिरिंज में दवा फिल करके डॉक्टर ने देता है, वो इंजेक्शन कार्पोरा कैवर्नोसा बोल के पेनिस में सेंटर में यूरिन आने का ट्यूब रहता है, इसके बाजू में इसको इंजेक्शन देते हैं। ये सेल्फ इंजेक्टेबल है, डॉक्टर ने पेशेंट्स को बताता है, इसको सीख लेता है कैसा करना, इसको ट्रेनिंग देता है इंजेक्शन किधर लेना कैसा लेना। प्रीफिल्ड इंजेक्शन है, इसको ज़्यादा तकलीफ ना रहता, लगा के प्रेस करे तो चले जाता। खाली इंजेक्शन दे तो इसको खुद ब खुद बड़ा नहीं होता है, फर्स्ट गियर पेशेंट डालना पड़ेगा, सेकंड गियर इंजेक्शन लेता है। तो इन्होंने कुछ साइकोलॉजिकली कुछ थोड़ा कुछ स्टिमुलस या पोर्न या लड़की का सोच ऐसा कुछ करना है तो हो जाएगा। एक बार इंजेक्शन दिया और स्टिमुलस लगाया तो बड़ा होने का उम्मीद है, और यूजुअली सफिशिएंट रिजिडिटी भी आ सकता है, टैबलेट से भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन हर बार इंजेक्शन लेना पेनफुल सिचुएशन है। कभी कभी पेशेंट्स के इंजेक्शन के वजह से प्रायपिज्म आता है, प्रायपिज्म का मतलब है हार्ड और पेनफुल पेनिस। ये प्रायपिज्म एक घंटे के अंदर अंदर अगर ठीक नहीं हो पाए इससे परमानेंट डैमेज हो सकता है, इसीलिए इंजेक्शंस लेना एक तो डिफिकल्टी है, सेकंड थिंग इज पेनफुल है, थर्ड थिंग इज कभी कभी प्रायपिज्म भी आ सकता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, यूजुअली डॉक्टर्स टेस्ट करने के लिए इनको कितना ताकत है, ये पोटेंसी है या नहीं है, इनका रिजिडिटी या हार्डनेस कितना है, वो टेस्ट करने के लिए क्लिनिक में देता है, लेकिन घर में यूज करने का बहुत मुश्किल है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बड़ा उम्र वाले उन्होंने पिनल इम्प्लांट के लिए फिट नहीं है जैसे लोगों को हम इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन घर में यूज करके श्रृंगार कर सकता है।